हेलो टू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियोस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक कलर चेंज अलार्म क्लॉक, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसे कि हम आप लोग को पहले दिखा सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा कलर चेंज अलार्म क्लॉक, जो कि कुछ इस तरह से हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में आता है, जो कि ग्लोइंग LED कलर चेंज डिजिटल अलार्म क्लॉक हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह है। अगर हम इसकी अगर बैक साइड की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें अलार्म भी लगा सकते हैं हम लोग, और करेंट टाइम भी सेट कर सकते हैं, डेट मंथ सब कुछ, टेम्परेचर भी इसमें हमारा बताएगा, जो कि बहुत तरह इसके डिटेल हैं। साइड की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ स्क्रीन टाइप करके लिखा हुआ है, व्हाइट ब्लैक ग्लोइंग LED कलर चेंज। यहाँ पे अगर कलर की बात कर लें तो क्रस्ट कलर इसमें 66 कलर मिल जाता है हमें, व्हाइट येल्लो ऑरेंज ट्रांसपेरेंस ग्रीन ब्लू, अभी लेकिन हमारा ये व्हाइट कलर है। तो चलिए इसे हम अभी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा है हमारा ये क्लॉक। ये यूजर मैनुअल मिल जाता है, जो कि इसमें रीड करके आप लोग सेट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसमें रीड करके आप लोग सेट कर सकते हैं, टाइम डेट अलार्म सब कुछ। अभी हम अपने वॉच को निकाल लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह ये है। अभी जैसे जैसे आप लोग देख सकते हैं ये निकाल लिए, ये हमारा रहा जो कि अलार्म वॉच है, डिजिटल अलार्म वॉच, जो कि कुछ इस तरह है। ये फुल प्लास्टिक बॉडी हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह है। अगर हम इसके नीचे साइड की बात कर लें तो यहाँ पे हमारे 6 बटन मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह फंक्शन इसमें दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टैब 1 टैब 2, यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट में जो है इससे हम कलर को चेंज कर सकते हैं, और इससे अप डाउन यानी हम टाइम को सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेट बटन हो जाता है, जो कि हम इसे ओके कर सकते हैं। यहाँ पे एक ढक्कन दिया हुआ, अगर इसे हम हटा देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3 सेल लगता है, जो कि रिमोट में लगता है, उसी को वही सेल हमारा इसमें लगेगा छोटा वाला, जो कि कुछ इस तरह है। तो चलिए इसमें हम अपना सेल लगाते हैं और इसे एक बार ऑन करते हैं, और इसके ऊपर ही हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह है। तो अभी हम इसमें अपना सेल लगा लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट सेल लगाने के बाद ही इसमें हमारा, जैसे देख सकते हैं इसे लगाते के साथ ही इसमें हमारा कुछ इसमें आवाज़ आएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसमें कुछ आवाज़ें आते हैं इसे। अभी हम इसका ढक्कन लगा लेते हैं, इसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ डिस्प्ले पे इस तरह से हमारा टाइम आ गया है। अभी हम इसमें आप लोग को टाइम सेट करके दिखाएंगे, जिससे कि आप लोग, अभी हम देख लेते हैं टाइम कितना हो रहा है। अभी टाइम 9 बज रहा है सुबह के, तो अभी हम इसमें टाइम सेट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेट करने के लिए यहाँ पे हमारा सिंपली सेट बटन पे क्लिक करना होगा, और सेट पे क्लिक करके हमें अप करना होगा, अप पे क्लिक करके इसे अप डाउन करना होगा। अगर हमें टाइम बढ़ाना है तो अप करना होगा, अगर घटाना है तो डाउन करेंगे, तो हम इसे डाउन कर लेंगे। देख सकते हैं कि 9 हो गया, 9 होने के बाद इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसमें हमारा 9 पूरे पूरी बज रहा है, तो इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसके साइड हम नीचे आ जाएंगे, जैसे देख सकते हैं नीचे आ गए। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारा कौन सा दिन है, आज संडे, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा महीना, तो इसे हम ये भी सिलेक्ट करना होगा, वो चौथा महीना, तो इसे हम बढ़ाना होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये चौथा महीना आ गया। डेट कितने तारीख है, 9 तारीख है, तो इसे हम सेट करना होगा। ये 9 तारीख सेट हो गया, अब इसे हम ओके कर देंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से सेट होके गया, हमारा आ गया घड़ी, जो कि आप लोग इसे सेट कर सकते हैं इस तरह से। इसे अगर हम लाइट अगर ऑन करना होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके, तो इसके लिए हमें फर्स्ट बटन को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें इस पर सिंपली टच करना होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा लाइट ऑन हो गया। इसे आप लोग को लाइट अगर पता नहीं चल रहा है तो एक बार हम आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे कि अगर आप रात में सो रहे हैं, अगर आपको टाइम देखना, तो इसे पे हमें सिंपली क्लिक करना होगा और ये लाइट ऑन हो जाएगा। एक बार आपको अंधेरा में दिखाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आप लोग देख सकते हैं इस पर कलर भी चेंज होगा। जितनी बार हम इसे टच करेंगे उतनी बार हमारा एक कलर चेंज होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कलर व्हाइट हो गया, हमारा ये पिंक हो गया, रेड हो गया, जो कि कुछ इस तरह से हमारा इसमें कलर चेंज होता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग को बताएं डिजिटल क्लॉक अलार्म के बारे में, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग किए, आप लोग को इसमें कैसे टाइम सेट करना है वो भी आप लोग को बताएं। अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर इसकी हम प्राइस की बात कर लें तो मात्र 299 रुपये का ऑनलाइन प्राइस आ रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप लोग जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।